तो इस सब के बाद ऐवान में हंगामा आरई करने वाले 7 अराकीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं उस्मान खान से। उस्मान खान, कब तक बरकरार रहेगी ये पाबंदी, कुछ बताया गया? देखिए, चूंकि स्पीकर की जानिब से इस तमाम अमूर का नोटिस लिया गया था और उसके बाद तमाम सबूतों और जो सीसीटीवी फुटेजेस थी उनका जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया कि 7 अरकान कौमी असम्बली, जिसमें 3 हुकूमती और 4 अपोजिशन के अरकान शामिल हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। तहम इस बारे में यही बताया गया कि कब तक पाबंदी रहेगी, और यही उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगले हुक्म आने तक, यानी ताउक में सानी, उनके ऊपर ये पाबंदी रहेगी। तो अब बाबा तौर पर पाबंदी लग गई और वो बाज़ अरकान जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है वो पार्लियामेंट के हाउस के अंदर भी मौजूद हैं, और अभी इस हवाले से जो है वो अपोजिशन जमातें जो है वो हिकमत अमली तय कर रही है कि जिन अरकान पर पाबंदी लगाई गई है उसमें हुकूमती अरकान और स्पेशली तौर पर वो जो वज़रा थे उनके नाम शामिल क्यों नहीं है। इस हवाले से अपोजिशन के रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार किया। तहम जो 7 अरकान हैं जिसमें से 3 हुकूमती हैं, अली नवाज आवान है, इसके साथ साथ 2 और 4 जो है वो अपोजिशन के अरकान शामिल। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान।